आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बेड़िया में कल धूमधाम से निकलेगी भगवान मनुकामनेश्वर की शाही सवारी, हजारों भक्त होंगे शामिल। बेड़िया नगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राधे राधे मित्र मंडल के सानिध्य में श्री भगवान मनुकामनेश्वर की शाही सवारी मंगलवार को नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। इसे लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर भगवा ध्वज के झंडे लगाए गए। राधे राधे मित्र मंडल के हेमराज चौहान एवं धर्माचार्य पंडित संजय पाठक ने बताया कि मंगलवार को सुबह 9 बजे से श्री मनुकामनेश्वर मंदिर मंडी गेट बेड़िया में रुद्राभिषेक, पूजन, श्रृंगार, 108 दीपक की आरती और महाप्रसादी पश्चात दोपहर 2 बजे से भगवान महादेव नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिससे हजारों की संख्या में शिव डोला में श्रद्धालु शामिल होंगे, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा, चाय और स्वल्पाहार से स्वागत होगा। वहीं शाही सवारी में डीजे साउंड, कड़ाबिंद तोप, फुल तोप, शिवजी की पालकी, आदिवासी नृत्य मंडली, शिव पार्वती की झांकी, बजरंगबली की झांकी, अखाड़े, रंगारंग झांकियां, बग्घी और 100 से अधिक ढोल नगाड़े आदि रहेंगे। भगवान मनुकामनेश्वर की शाही सवारी में राधे राधे मित्र मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शामिल होने के साथ सफल बनाने का आग्रह किया। वहीं विधायक सचिन बिरला ने धर्म प्रेमी जनता और भोले भक्तों से अधिक संख्या में पधारने का आह्वान किया। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। अरे मनोकामनेश्वर महादेव की जय। मैं सचिन बिरला, विधायक बरवा, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे घरग्राम बेड़िया में बाबा मनोकामनेश्वर महादेव की शाही सवारी निकलने जा रही है। इसका समय दोपहर 2 बजे का है। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस महासवारी का आनंद लें। और इस समय श्रावण सोमवार का आखिरी सोमवार है, भगवान मनोकामनेश्वर महादेव स्वयं इस पूरे यात्रा में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस भव्य शोभा यात्रा में पधार कर भगवान का आशीर्वाद लें और धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम करें। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।